नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ज्ञान में। दोस्तों, राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी और अपडेट। जी मित्रों, राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासा ने खुद सभी घोषणा कर दी है राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। अब राजस्थान में आपके होगी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती और इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा वो संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने वीडियो और जानकारी लास्ट में अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जुड़ी पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले दी जाएगी और एजुकेशन रिगार्डिंग भी अपडेट आपको सबसे पहले वह दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए ये गोविंद सिंह जी डोटासरा का जो ऑफिशियल अकाउंट है, इस पर अपन यहाँ पे जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अपन नीचे चलेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा कि कंप्यूटर टीचर का अलग केंद्र नहीं होने की वजह से कंप्यूटर शिक्षा प्रभावित होती थी, लेकिन अब माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षक केंद्र के सर्जन की घोषणा हुई है, जिसमें स्कूलों के कंप्यूटर शिक्षकों की कमी पूरी होगी। तो दोस्तों, इसमें आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का बजट में जिक्र नहीं हुआ, आपने ये चीज़ सोच ली होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शिक्षा विभाग में 41,000 पदों की घोषणा की गई है उसमें से 7,000 आपके पदों पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आएगी, यानी कि दोस्तों 7,000 पदों पर आपके अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर। और दोस्तों, आपको अभी तक नहीं पता इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और आपको जो भी क्वेश्चन है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में वो हमें पूछ सकते हो, हम आपका 24 घंटे के भीतर पर जवाब देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, जो इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए कुछ खबरें आ चुकी है और जल्दी आपकी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती राजस्थान में आएगी, सभी ये शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।